जबले आमे देखिथिबा वर्तमान आमे आज आसी पहुंची छे भुवनेश्वर रो जो फैशन एंड लाइफस्टाइल मेला आछि इनवेक रो जो फैशन एंड लाइफस्टाइल मेला आछि सेटर आसी पहुंची छे। जबले आमे विगत दुई दिन धरी लगातार भाबे मेला रो डिफरेंट स्टॉल कोइ परिबा डिफरेंट महिला उद्योगी कोइ परिबा जहार कि आपनकु बिजनेस रो सक्सेस मंत्र कोइ परिबा सक्सेस स्टोरी कोइ परिबा बिजनेस रो विजन मोटो सब किछि देखि आस्तिलु किंतु आज आमे एटा कहबा को चाहौछु कोटा कोटी इक्वेक जे ग्रैंड सक्सेस हेछि एहिति पई कहबा को चाहौछु इक्वेक ग्रैंड सक्सेस हेछि किबा जो फैशन एंड लाइफस्टाइल मेला ग्रैंड सक्सेस हेछि कारण आज आम कैमरा फ्रेम रे आपन को सीधा सड़क एभली एक महिला एंटरप्रेन्योर को देखा चाहूँ जे कि ना केवल एक एंटरप्रेन्योर जे कि ना केवल बिजनेस किंतु से एक दीटा कंट्री को जोड़ी पार्चंती दीटा कंट्री को जोड़ी पार्चंती बोली एथिपई कहचो से जबली आमे पूर्वगत सूचना आनीथिलु से नेपाल रो आचार आने की जो फैशन एंड लाइफस्टाइल मेला रे एक स्टॉल पकेचंती ता छडा ओडिसा रूपी जो हैंडलूम्स और कटन आउसी ताकू नहीं नेपाल मार्केट रे बिकुचंती जा द्वारा कि एक से जबली कहिथिले एक फ्रेंडली रिलेशनशिप दीटा कंट्री मध्ये डेवलप होची दीटा स्टेट मध्ये डेवलप होची जो ट्रेडिशनल मार्केट अछि कोटना कोटी आम रथयात्रा रे भी नेपाल नेपाल रे भी रथयात्रा हुए नेपाल रे भी किछि ट्रेडिशन आमे फॉलो करू ता सह एक बिजनेस तो रिलेशनशिप डेवलप हुई। हेलो थैंक यू सो मच। जैसे हम देख रहे थे मैम यहाँ पे जो वुमेन मेला हो रहा है तो वुमेन मेला हम इसको बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जैसे देख रहे थे वुमेन मेला के सक्सेस के बारे में अगर बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज दिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे आप बता रहे थे अभी प्रीवियसली हम जो मतलब कन्वर्सेशन में आप बता रहे थे आपका जो जैसना का प्रोडक्ट है सभी नेपाल से आ रहा है। जी 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 जी। सो बेसिकली माई नेटिव प्लेस इज काठमांडू एंड आई हैव गॉट मैरिड टू अ पर्सन टू माई हस्बैंड इन ओडिशा सो दैट इज़ हाउ वहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। माई भाई इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग देयर। यहाँ पे हम लेबलिंग करते हैं पैकेजिंग करते हैं। वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू क्रिएट अ ब्रांड। आई नो यहाँ पे संबलपुर के अचार बहुत फेमस है राइट। सो बरमपुर के अचार बहुत फेमस है। मैंने 20 वेराइटीज़ ऑफ पिकल्स खाए हैं। ओके या सो आई हैव एक्चुअली ट्राइड 20 वेराइटीज़ ऑफ पिकल्स। वो अलग टाइप का पिकल है, ये अलग टाइप का। इसके स्पाइसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड देर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट फॉर बरमपुर पिकल्स। सो मैंने सोचा कि जब ऑलरेडी इतने प्लेयर्स है वाई नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्लेवर इन द मार्केट विच ऑल्सो हैज़ मेडिसिनल बेनिफिट्स। हमारे दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके मेडिसिनल बेनिफिट्स है। जनरली मिर्ची के उतने मेडिसिनल बेनिफिट्स होते नहीं है। हमारी मिर्ची पहाड़ी मिर्ची है। सो दीज हैव रियली गुड रियली लॉट ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स। वी हैव तिमूर विच ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स। सो मैंने सोचा कि अचार इज़ समथिंग दैट रियली हैज़ अ वेरी डीप कनेक्शन अमंग ओडिया पीपल राइट। उनको उनका खाना बिना अचार के नहीं। येस येस। सो उनको अचार चाहिए। दे कनेक्ट वेरी वेल विथ अचार। सो आई थॉट वाई नॉट कम्बाइन टू डिफरेंट कंट्रीज उड़ीसा और नेपाल को कनेक्ट किया जाए एंड देन लेट्स सी द मार्केट। एंड एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई नेवर थॉट इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। हमने 5 महीने पहले भी बिजनेस मेला लगाया था, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। इनफैक्ट दिस टाइम ऑल्सो वीव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। जनरली फैशन मेला में लोग लगाते नहीं हैं बट हमने इसीलिए लगाया कि जस्ट टू बिल्ड आवर ब्रांड एंड इट इज़ वर्किंग रियली वेल। जैसे मैम हम अगर बात कर सकते हैं सपोज हम पिकल्स का लेंगे अचार का जो बात बोल रहे हैं जनरली इट्स डिपेंड अपॉन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इट्स डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल मार्केट। उड़ीसा में मतलब घर घर में पिकल्स रेडी हो रहा है और बरमपुर के बाद जो बोले बरमपुर में तो हर गली में हर घर में पिकल्स बनता ही बनता है। तो इज नॉट इज ए कॉम्पिटिशन मार्केट टू चूज ए प्रोडक्ट लाइक पिकल। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट बट वही है ना प्लेयर्स तो इतने सारे हैं तभी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मींस इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू टू द सोसाइटी राइट। सो अगर मैं बरमपुर अचार ही सेल कर रही होती तो शायद मैं खो जाती बट बिकॉज आई एम सेलिंग नेपाली प्रोडक्ट एंड पीपल हैव बिकम यू नो डिफरेंट कल्चर उनको ट्राई करने का मन करता है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ट्राइंग डिफरेंट कल्चर्स दैट इज़ वेयर वी कम इन। अभी आप देखोगे फूड इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन और टू स्टेट्स का फूड। वेन दिस फूड फेस्टिवल दिस यू नो ह्यूज वेराइटीज ऑफ टेस्ट दैट वी गेट टू सी। वही कॉन्सेप्ट से हम आए हैं कि यू नो जब
आई रिमेंबर अर्थक्वेक के टाइम में जब नेपाल को अर्थक्वेक हुआ, नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, उड़ीसा से बहुत हेल्प आया था. सो यू नो देयर इज दिस कनेक्शन बिटवीन नेपाल एंड उड़ीसा इन सम और द अदर वे, एंड आई थिंक वो कनेक्शन इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर श्योर, बिकॉज मैं तो दोनों जगह रही हुई हूँ, सिमिलैरिटीज भी बहुत है, बहुत सारे थॉट्स मैच करते हैं, लिविंग मैच करता है. सो इट हैजंट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंट्रोड्यूस द मार्केट एंड हैज वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. देख रहे थे मैम, अगर हम अचार के बात बोलेंगे, पिकल्स के बात बोलेंगे, मैं क्योंकि बरमपुर को बिलोंग्स करता हूँ, मैं जानता हूँ कि बरमपुर का जो मैंगा पिकल्स है वो फेमस है, लेमन पिकल्स है वो फेमस है. करेक्ट, मैंने 20 वैरायटीज ऑफ पिकल्स. ओके, आप तो अभी नेपाल से मतलब पिकल्स का वैरायटीज ला रहे हैं, व्हाट इज द सिग्नेचर, व्हाट इज योर सिग्नेचर प्रोडक्ट, व्हाट इज द मोस्ट फेमस पिकल इन नेपाल? सो लप्सी इज वन प्रोडक्ट, ये लप्सी है. सो दिस इज अ फ्रूट, ये आप देखेंगे देयर इज दिस ग्रीन कलर फ्रूट यहाँ पे आपको दिखेगा. दिस इज ओनली फाउंड इन नेपाल और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. और ये खट्टा होता है, इसका जो पल्प होता है इट इज़ खट्टा इन टेस्ट. इसमें हम शुगर डाल के वी ट्राई टू यू नो मेक पिकल्स आउट ऑफ इट. अब ये पिकल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ आर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, पीपल आर लविंग इट. उनको एक बार यू नो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइंड हु केम, परसों आई थी, पिकल ली, वो पूरा बॉटल ख़त्म कर दिया, आज वो फिर दो बॉटल लेकर गई है. सो इट इज़ वेरी अडिक्टिंग ऑल्सो, मतलब लोगों को एकदम चाहिए इस तरह से है, क्योंकि खट्टा मीठा है, मतलब ऐसे भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि राइस और दाल के साथ ही खाना है, रोटी के साथ ही खाना है, ऐसे भी लोग खा रहे हैं. बिजनेस भी जोर शोर से चल रहा है. हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स, वो पाँच दिन मेरे लिए बेनिफिट हो जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे लेके जा रहे हैं, फिर फिफ्थ डे में आके ले रहे हैं. तो देखिए मैम, जैसे हम बात कर रहे थे आपका बिजनेस की, कॉम्पिटिटर के तो बात कर लिए, ट्रेडिशनल मार्केट है, कॉम्पिटिटर रहेंगे ही रहेंगे. मैं एक चीज़ के ऊपर इंपोर्टेंस डालूंगा, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरियस स्टॉल्स, बहुत स्टॉल है, बहुत वुमेन एंटरप्रेन्योर है, बट आई थिंक यू आर समथिंग डिफरेंट बिकॉज यू इंटर रिलेट टू कंट्रीज. करेक्ट, एग्जैक्टली दैट्स वर्ड. सो आपको पता है कि नहीं, पर हिस्ट्री में भी ना देर आर लॉर्ड ऑफ रॉयल प्रिंसेस हु हैव गॉट मैरिड टू उड़ीसा रॉयल फैमिलीज, तो वो है पहले से ही है. इनफैक्ट जगन्नाथ का भी इफ़ यू सी, वहाँ पे भी एक ट्रेडिशन ऐसा है जो नेपाल के किंग आके करते हैं, उसके बाद ही बहुत कुछ स्टार्ट होता है. सो देर इज़ दिस कनेक्शन ऑलवेज, एंड आई थॉट वाई नॉट, बिकॉज सी मैं भी उड़ीसा के प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, व्हेन आई एम गोइंग देयर आई एम प्रमोटिंग उड़िया प्रोडक्ट्स, एंड व्हेन दे आर कमिंग हियर. क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे जा रहा है? जनरली हैंडलूम, आई रियली लव द हैंडलूम्स ओवर हियर, मेरे को इस यहाँ के फैब्रिक्स बहुत बहुत पसंद है. दे जस्ट स्टिक टू योर बॉडी, लाइक मतलब एक बार तुम उड़ीसा फैब्रिक पहन लो तो तुमको और कोई कपड़ा पहनने का मन नहीं करेगा. मैं मम्मी के लिए साड़ी वगैरह भी लेके जाती हूँ, एंड दे लव द प्रोडक्ट. सो उड़ीसा हैंडलूम्स इज समथिंग दैट रियली यू नो या इट्स वेरी डिफरेंट, एंड यू नो मेरे फैमिली में तो सबको बहुत पसंद है. इनफैक्ट मेरे भाई लोग तो ये तो बोलते हैं कि मैंने बोला कि साल में तुमको दो बार आना पड़ेगा स्टॉल के लिए, इज़ लाइक कि हाँ हमारे लिए तो वैकेशन है, वी लव उड़ीसा. सो इवन दो इट इज़ हॉट, काठमांडू में बहुत ठंडा रहता है राइट, यहाँ पर गर्मी होती है, फिर भी दे कम यू नो मे मंथ में भी आते हैं बिकॉज दे लव इट सो मच. तो करेक्ट. सो ये बहुत छोटा सा एक्चुअली स्टोरी है. सो मैं जब भी काठमांडू में, साल में काठमांडू एक ही बार जाती हूँ बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम हियर राइट, तो साल में जब भी मैं जाती थी आई यूज टू गेट दिस होल स्टॉक ऑफ पिकल्स. मैं 5 बॉटल लप्सी लेके आती थी, तिमूर लेके आती थी, बहुत प्रोडक्ट्स लेके आती थी, सो दैट मेरा एक साल चल जाएगा. सो जब मैंने टेस्ट करवाया, अपने फ्रेंड्स लोगों को टेस्ट करवाया, फैमिली मेम्बर्स को टेस्ट करवाया, दे लव्ड इट. वो लोग बोले ये अचार लेते हुए आना, ये अचार लेते हुए. मैंने बोला जब लोगों को पसंद आ रहा है मतलब पीपल आर लविंग द टेस्ट. दैट इज़ हाउ आई थॉट दैट यू नो वाई नॉट इंट्रोड्यूस इट इन द मार्केट एंड खुद का ब्रांड बना के लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रमोटिंग इट. बिजनेस भी जोर शोर से चल रहा है. मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं ब्रांडिंग करती हूँ, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर. मैंने वो सारा काम छोड़ के नाउ आई एम कम्प्लीटली फुल फ्लेज वर्किंग ऑन दिस. तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. करेक्ट 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 करेक्ट, आप बोल सकते हैं. तो जयपाली देखुले कैमरा फ्रेम रे आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखी सीधा सड़क आम सागर खोला कथार आलोचना करते जी महिला उद्योगी अच्छा जो देशना आचार महिला उद्योगी अच्छा किभली भाव में नेपाल आचार आभली भाव में ओडिशा हैंडलूम नहीं बिकुंत सीधा सड़क कहवा सह एक बहुत ही सुंदर बार्ता देते ना केवल बिजनेस अपरच्युनिटी बढ़ाए ता सहित दुटा कंट्री को इंटरलिंक कै दुटा कंट्री ट्रेडिशन को मिशाए दुटा कंट्री एक फ्रेंडली आटमोसफियर क्रिएट कै. भुवने
भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अजित कसह रूपेश कुमार पंडा रिपोर्ट डुमानी टीवी।